Cause I just wanna go, go, go to the deep end. इस वीडियो में फ्रेंड्स मेरे पास है वीवो का Y56। अगर फ्रेंड्स आपके पास ये वाला डिवाइस है तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस फोन की 8 ऐसे तरीके से बताऊंगा स्क्रीनशॉट लेने के जो कि काफी ज्यादा यूजफुल रहेंगे। इस फोन में आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप 8 अलग अलग तरीके से स्क्रीनशॉट को ले पाएंगे। चलिए जानते हैं इस वीडियो के अंदर कौन से वो तरीके रहने वाले हैं। आपका कंट्रोल पैनल आपको कुछ इस तरह से ओपन करना होगा। यहाँ आपको एस कैप्चर नजर आ जाता है, यहाँ क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे फनी स्क्रीनशॉट दिखेगा, यहाँ क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन नीचे की साइड देखेंगे जैसे कि डूडल स्क्रीनशॉट, इस पर क्लिक करके आप स्क्रीन पर लिख के कुछ भी आप स्क्रीनशॉट बना सकते हो। तो इस तरह से नाम डाल सकते हो या फिर जो भी आप लिखना चाहते हैं यहाँ लिखकर आप स्क्रीनशॉट को बना लीजिए। इस तरह से आपका ये सेव हो जाएगा। इसके अलावा आपको स्क्रीन साइज आपको सेलेक्ट करना है, जिस साइड का आपको स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप उस तरह से भी स्क्रीनशॉट को ले सकते हो। इसके लिए फिर से यहाँ क्लिक करके अपनी स्क्रीनशॉट पर जाना है। यहाँ लेसो स्क्रीन नजर आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जिस एरिया का आपको स्क्रीनशॉट चाहिए इस तरह से आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो। तो इस तरह से स्क्रीनशॉट बन जाता है। इसके अलावा एक और फीचर रहता है जो कि आप यहाँ पे इमोजी वगैरह को सेट करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिसके आपको फिर से एस कैप्चर पर क्लिक करना है, फनी स्क्रीनशॉट पर क्लिक करना होगा। अब आपको यहाँ ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इसके बाद आप स्क्रीन का कुछ इस तरह से सेलेक्ट कीजिए, अपना स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी इमोजी आपने सेलेक्ट किया है इसको आप इस तरह से कर सकते हैं लार्ज एंड स्मॉल, और यहाँ सेव कर देंगे तो ये सेव इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ बहुत सारी कैटेगरी मिल जाती है। आप केवल स्क्रीन को इस एरिया का स्क्रीनशॉट चाहते हैं तो वो भी सेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको फिर से अपना एस कैप्चर खोलना होगा। यहाँ आपको एक ऑप्शन नजर आएगा, इस पर क्लिक कीजिए। अब किस एरिया का स्क्रीनशॉट चाहिए यहाँ पर आप इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं, इसको सेव कर देंगे तो इस तरह से स्क्रीनशॉट आपका ये सेव हो जाएगा। आप इस फोन में लॉन्ग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जिसके लिए लॉन्ग स्क्रीनशॉट एरिया में जाना होगा और वहां जाके एक नॉर्मल स्क्रीनशॉट को क्लिक कीजिए। और यहाँ पे आप देखोगे कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा, मतलब इस फोन के अंदर 3 फिंगर से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आपको गॉट इट पर क्लिक करना है एंड गॉट इट करना है। अब 3 फिंगर से डाउन करने पे आप देखोगे इस लॉन्ग स्क्रीनशॉट का ऑप्शन नजर आ जाएगा, इस पर क्लिक कर दीजिए। ये ऑटोमेटिकली स्क्रॉल हो जाता है, आप चाहें तो अपने हिसाब से भी इसको स्क्रॉल करके लॉन्ग कर सकते हैं। यहाँ सेव कर देंगे तो इस तरह से लॉन्ग स्क्रीनशॉट बन जाएगा। इसके अलावा आपको वॉल्यूम डाउन बटन एंड पावर बटन एक साथ प्रेस करना है तो भी इस फोन के अंदर आप स्क्रीनशॉट को ले सकते हो। तो ये कुछ अमेजिंग फीचर्स फोन के अंदर देखने को मिलते हैं स्क्रीनशॉट से रिलेटेड, इनके बारे में आपको इस वीडियो में बता चुका हूं। आशा करता हूं फ्रेंड्स आपको वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। वीडियो चला हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।